14 दिन क्वारंटाइन होने के बाद कोरोना की जांच के लिए अस्पताल में इलाज के लिए आए ऐसे 6 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना निगेटिव आने से आखिरकार मेयो अस्पताल ने उन्हें रिपोर्ट कार्ड देकर घर भेज दिया, जिसे अब मेयो अस्पताल में इलाज कर रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 48 हुई है। कोविड-19 ये महामारी धीरे धीरे अपने मौत के शिकंजे में शहर के लोगों को धर दबोच रही है। यदि नागपुर की बात करें तो नागपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 128 हुई है, जबकि 29 निगेटिव है और एक की मौत भी हुई है। नागपुर के मेडिकल और मेयो अस्पताल में कई कोरोना मरीजों की जांच की जा रही है। मेयो अस्पताल में कुल 60 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, जिनमें से शुरुआती दौर में 6 मरीज निगेटिव आए हैं, तो वहीं आज भी मेयो अस्पताल से 6 और नए कोरोना मरीजों की जांच कर उन्हें निगेटिव होने का रिपोर्ट कार्ड दिया गया। स्क्रीन पर दिख रहे ये 6 वो निगेटिव मरीज है, जिनमें एक सतरंजीपुरा, एक कामठी और 4 जबलपुर के हैं। मोमिनपुरा में अपने रिश्तेदार के यहाँ ये लोग आए थे। 14 दिन क्वारंटाइन होने के बाद और कोरोना जांच पड़ताल करने के बाद ये लोग निगेटिव आते ही उन्हें अपने घर जाने की अनुमति दी गई है। मेयो द्वारा एम्बुलेंस में सैनिटाइज किया गया, जिसके बाद ये सभी निगेटिव मरीज घर जाने के लिए निकले हैं। इस बारे में मेयो अस्पताल के सह अधीक्षक डॉक्टर सागर पांडे इन्होंने इन विषय समक्ष जानकारी दी। अब तक के कुल 6 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं IGMC मेयो हॉस्पिटल से। आज 6 लोग और डिस्चार्ज होने जा रहे हैं, कुल मिलाकर के 12 पेशेंट डिस्चार्ज होने जा रहे हैं। 6 हो चुके हैं और 6 अभी कर रहे हैं। आज जो 6 पेशेंट डिस्चार्ज होने जा रहे हैं, ये पेशेंट 12 अप्रैल को IGMC मेयो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। 12 अप्रैल को ये पॉजिटिव पाए गए थे। ये लोग क्वारंटाइन सेंटर में थे सभी 6 लोग, और सभी 6 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर से हमारे यहाँ पर एडमिट किया गया था। 6 लोगों में से 4 जो है वो जबलपुर के रहवासी है। मोमिनपुरा में जिस समय में वो रह रहे थे, वहाँ से उन्हें क्वारंटाइन किया गया था और पॉजिटिव आने के बाद में उन्हें 4 लोगों को यहाँ पर एडमिट किया गया। एक पेशेंट सतरंजीपुरा से थे जो क्वारंटाइन सेंटर में थे, जिन्हें यहाँ पर एडमिट किया गया। एक पेशेंट कामठी के निवासी थे, जिन्हें भी यहाँ पर सेम 12 तारीख को एडमिट किया गया था। कुल मिलाकर अब तक हमारे यहाँ पर 60 पेशेंट आ चुके हैं। 60 पेशेंट में से 6 पेशेंट डिस्चार्ज हुए थे, 6 अभी और डिस्चार्ज हो रहे हैं। एक पेशेंट की डेथ हो चुकी है और अन्य करीब करीब ऐसे 47 पेशेंट हमारे यहाँ पर पॉजिटिव अब भी एडमिटेड है। 3 पेशेंट तो आज 14 डेज कंप्लीट हो गए, उनका भी नमूना जांच के लिए लिया गया है। 6 पेशेंट जो है उनका भी एक नमूना जो है वो आज लिया गया है। 3 पेशेंट आज शाम तक के डिस्चार्ज हो सकते हैं और अन्य 6 पेशेंट कल शाम तक या परसों सुबह तक के डिस्चार्ज हो सकते हैं। लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए, हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिसेस का पूरी तरह से पालन हो, मास्क पहना जाए। इस बारे में हमारे माननीय विभागीय आयुक्त डॉक्टर संजीव कुमार सर, माननीय जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे सर, माननीय महानगर पालिका के आयुक्त तुकाराम मुंडे सर, माननीय पुलिस आयुक्त उपाध्याय सर, माननीय अधिष्ठाता डॉक्टर केवलिया सर, हमारे यहाँ के पूरे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, हमारे यहाँ के सैनिटरी इंस्पेक्टर, क्लास 4 कर्मचारी, इन सब के तरफ से हम सभी नागरिकों को अपील करते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर, नर्सेस, क्लास 4 वर्कर्स, ये पूरे तन धन मन से अपने काम में जुटे हुए हैं। आप लोगों से पूरी सिर्फ ये इतनी अपील है कि आप लॉकडाउन का संपूर्णतः पालन करें और पूरी तरह से जो है इस कोरोना से अपना बचाव करें। दर्शकों, इससे पहले इन विषय की टीम मेयो अस्पताल में, हम आपको बता दें कि इससे पहले 6 कोरोना निगेटिव मरीजों को छुट्टी कर दी गई थी। उसी क्रम में आज 6 ऐसे मरीजों की भी जो निगेटिव आए हुए हैं, उन्हें आज यहां से मुक्त किया गया है। जी हां, हम बता दें कि एक सतरंजीपुरा, एक कामठी, 4 जबलपुर के, ऐसे कुल मिलाकर 6 जो क्वारंटाइन में जो थे उन्हें यहां पे लाया गया था और यहां उनकी पूरी तरह से जांच की गई, जिसके चलते वे भी कोरोना निगेटिव पाए गए और निगेटिव आते ही आज उन्हें यहां से डिस्चार्ज दिया गया है। इससे पहले मैं भारत की स्थिति बता दूं तो 27,892 ये कोरोना पॉजिटिव के मरीज पूरे भारतवर्ष में है, तो वहीं 6,185 लोग निगेटिव आए हुए, तो वहीं 872 लोगों की मौत हो चुकी है। नागपुर की यदि मैं बात करूं तो नागपुर में अब तक के 128 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 23 लोग निगेटिव आ गए हैं और एक की मौत हो चुकी है। और इसी श्रृंखला में और भी नागपुर से निगेटिव लोग आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो अपने घरों में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेयो अस्पताल प्रशासन उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए इसी एम्बुलेंस में उन लोगों को बिठाया। 6 लोग अभी ये अपना घर जा रहे हैं। जैसे कि आपको बता दें कि एक सतरंगीपुरा, एक कामठी और 4
जबलपुर के हैं। जबलपुर वाले जो है मोमिनपुरा के भाई के घर में रहने के लिए आए थे, तो उन्हें मोमिनपुरा में ही छोड़ा जाएगा और उन्हें 14 दिन तक वहां भी उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। इस प्रकार से मैं अस्पताल अब तक के 12 लोगों को कोरोना मुक्त यानी निगेटिव करार देते हुए उन्हें अपने घर पहुंचा दिया है। वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ संजय मुरे, इनबीसी न्यूज नागपुर।